हारे हुए, थके हुए, निराश लोग जिनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी विरोध, न बहस चाहते हैं, न चर्चा चाहते हैं, न संवाद चाहते हैं, वो सच्चाई रख दिया। और जिस इंडियन इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तू भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे कराते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है, और उनका सबसे अच्छा शब्द लगा, जो भोर होती है ना उसमें चेतना जागृत होती है। तो 24 हम जीतेंगे, निर्णायक जीतेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय पार्टी। सर लगता है कि आपको उनके लक्षण से कोई संकेत दिखाई पड़ता है क्या? मुझे बता दीजिए, उनके दिल में कोई भी सत्ता में आने की कुवत है क्या? सत्ता में आने के लिए जिम्मेवारी चाहिए, सत्ता में आने के लिए प्रेरणा चाहिए, सत्ता में आने के लिए देश में आशा जगाना चाहिए। इनका रिकॉर्ड बस वही है, कुछ नहीं हो सकता, और जनता इनको चाहती नहीं, तो रहने दीजिए। अब उनको एक बात मैं भी आज कह देता हूँ, नोट कर लीजिए, जब 24 में हम लोग मिलेंगे ना रिजल्ट के बाद, तो उनकी संख्या और कम रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति बिहार के महागठबंधन की सरकार में काफी हाशिए पर चली गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने दो विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि श्री नीतीश कुमार जी इतना ही कर पाएंगे जितना राष्ट्रीय जनता दल उन्हें करने के लिए कहेगी। और इतना ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक माननीय श्रीमती नीतू कुमारी जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि महिलाओं को उनका हक मंत्रिपरिषद में मिलना चाहिए, खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं को किस प्रकार से रोका जा रहा है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से एक अन्य मार्ग पहुंचना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और बिहार की जिस प्रकार से स्थिति है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की स्थिति और भी विस्फोटक होने वाली है।